न हम सफर न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमी से निकलेगा। यहीं पर रहता था वो भूखा फकीर, तलाश करो खजाना यहीं से निकलेगा। नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को, मैं विवेक पांडे स्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी प्यारे भाई बहनों का। बिहार शिक्षक भर्ती 7th phase की शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हम आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी के 3 बड़े प्रश्नों का जवाब कि सर ये वैकेंसी कब तक हमारे सामने होगी, सर इसका वास्तविक नोटिफिकेशन क्या होगा, इस परीक्षा को कराने वाली संस्था कौन होगी जिसके आधार पर हम इसको तैयार कर सकते हैं, साथ ही इस परीक्षा को देने वाले विद्यार्थी कौन कौन से हो सकते हैं, क्या अन्य राज्य के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे, क्या यह नियम लगाना ठीक है कि विद्यार्थी केवल 3 बार ही इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, कोर्ट में यह बात जा चुकी है क्या, उसके वजह से वैकेंसी में कितनी देरी हो सकती है, जरा हमें अवगत कराएं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको सारी कहानी समझाने के लिए ही उपस्थित हुआ हूं। देखिए एक चीज तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि बिहार में पहले तो शिक्षक भर्ती होती नहीं थी, मेरिट आधार पर चयन कर लिया जाता था, संविदा पर पद निकलते थे और एक मानक योग्यता के आधार पर उनको रख लिया जाता था। बड़ी छोटी तनख्वाह में काम करने वाले शिक्षकों के साथ बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बीपीएससी ने भर्ती कराने के लिए शिक्षकों का वेतनमान भी तय कर दिया है कि अगर आप वर्ग 1 से 5 तक के लिए आते हैं तो बहुत आराम से समझ लीजिए, अगर आप वर्ग 1 से 5 तक के लिए आते हैं यानी प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 85,000 के आसपास पद होंगे, 8,000 लगभग 85,000 के आसपास पद हैं और 6 से 8 के लिए सबसे कम लगभग 1745 और 9-10 यानी टीजीटी पीजीटी स्तर पर अगर आप जाते हैं तो टीजीटी पीजीटी स्तर पर भी ठीक ठाक वैकेंसी आपके पास है, लगभग 1,00,000 से अधिक पद हैं, 57,000 पीजीटी के लिए और लगभग 33,000 के ऊपर जो है टीजीटी के लिए पद आपको मिलते हैं। जूनियर के लिए पद ज्यादा है नहीं, पीआरटी के लिए पद अच्छे खासे हैं और पीआरटी के लिए जो पद बताए जा रहे हैं, जिलेवार रिक्तियां मांगी गई थी कि कितने कितने जिलेवार रिक्त पद हैं उसके विषय में हमें बता दीजिए, तो जिलेवार लगभग 85,477 पदों के लिए लिखित सूचना प्राप्त हुई है। जो इनके मूल वेतन बताए जा रहे हैं वो 25,000 रुपए से लेकर के 32,000 तक है, ध्यान रखिएगा ये मूल वेतन है। अगर किसी व्यक्ति का मूल वेतन 25,000 रुपए है तो इसका जस्ट डबल आप मान के चलिए उसको प्रतिमाह के आधार पर सैलरी मिलेगी, इसमें टीएडी एचआरए अन्य प्रकार के सभी भत्ते और इत्यादि प्रकार की जो सुविधाएं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलती हैं एक शिक्षक को वह सब उन्हें मिलेंगी, यानी पीआरटी में कार्यरत विद्यार्थी को लगभग 48,700 रुपए के आसपास प्रतिमाह का वेतन मिलेगा और अगर आप टीजीटी में चले जाते हैं तो लगभग 56,300 रुपए के आसपास आपका वेतन बनेगा और यही पीजीटी में बढ़ करके 58,900 रुपए वेतन आपका हो जाता है और पीआरटी में लगभग 50,260 रुपए के आसपास आपका वेतन बन जाता है जब आप यही जूनियर में रहते हैं। तो ये एक वेतन की गणना किस प्रकार की जा रही है इसका ये नोटिफिकेशन मैं आपको, ये आपको जो पीडीएफ आपको दिखाई पड़ रहा है ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और टेलीग्राम के माध्यम से आप इसको जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का हमारे यहाँ लिंक मिल जाएगा आपको। अच्छा साथ ही साथ अब मैं और आगे बढ़ता हूं तो आप देख सकते हैं कि मूल वेतन में देखिए आप जोड़ घटाना किया गया है तो मासिक वेतन ये 35,700 रुपए के आसपास बता रहे हैं, डीए एचआरए मेडिकल कुल वेतन और ईपीएफ कटौती वगैरह मिला करके। अच्छा अलग अलग जिलों के अनुसार ये बढ़ेगा घटेगा, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे जिले में रहते हैं जहां पर महंगाई का स्तर थोड़ा अधिक है, थोड़ा अच्छा स्तरीय लोग वहां पर रहते हैं तो उस आधार पर वेतन आपका 2-3 हज़ार रुपए बढ़ करके मिलेगा, जो आपको अलाउंस मिलेगा वो बाकी इन के मुकाबले थोड़ा अधिक मिलेगा। अच्छा 6 से 8 के लिए बता रहे हैं कि 40,000 के ऊपर रहेगा, 9-10 के लिए 44,000 के ऊपर रहेगा और 11-12 के लिए 45,000 के ऊपर रहेगा, जो लगभग इसी रेंज के आसपास आप पहुंच जाएंगे ऐसा मान करके चलिएगा। बीपीएससी में इस शिक्षक भर्ती के लिए जो वेतन तय किया गया है वह प्रतिमाह इतना रहने वाला है, साथ ही साथ यही आपके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, 42% जो है इसमें डीए होगा एचआरए होगा 4 से 16% की दर पर और मेडिकल भत्ते यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगी। तो ये पद आपके सामने कब तक आएंगे, क्या ये पद आपके सामने कितने समय तक आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा पहले तो इस परीक्षा को देने वाला जो विद्यार्थी होना चाहिए उसके पास बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए।
भारतीय नागरिक होने के साथ साथ बिहार का स्थानीय निवासी होगा तो ही इस परीक्षा को दे सकता है। उस विद्यार्थी ने किसी भी प्रकार से बी टेट यानी बिहार में जो टेट होता है राज्य टेट वो आप क्वालिफाई किया हो और सी टेट क्वालिफाई किया हो। अच्छा, पीआरटी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप सी टेट प्राइमरी क्वालिफाई किए हुए होने चाहिए, और अगर आप जा रहे हैं जूनियर अथवा टीजीटी पीजीटी स्तर पर 9 10 11 12 को पढ़ाने के लिए, ये विद्यार्थियों के 6 से 12 तक के स्तर के लिए सीटेट जूनियर आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यह निश्चित है। और अधिकतम आप इस परीक्षा को 3 बार दे सकते हैं, नियमावली इस बात को निर्धारित कर चुकी है कि कोई विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठा एक बार, फिर दोबारा बैठा और फिर तिबारा बैठेगा, मैक्सिमम 3 ही अटेम्प्ट आपको इस परीक्षा में मिलेंगे। हालांकि इसका भी समर्थन किया जाना अनिवार्य शर्त होनी चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए एक मैक्सिमम अटेम्प्ट इसलिए भी दे देना चाहिए कि एक बात बताओ, जो विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहता है उसने एक बार परीक्षा दिया, मान लीजिए कोई चूक रह गई, फिर दोबारा दिया, मान लीजिए फिर भी कोई चूक रह गई, तो तीसरी बार में तो उसको कर ही लेना चाहिए। अच्छा, इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो शिक्षक बनना भी नहीं चाहता था, वो केवल ट्राई मार रहा था कि चलो ये सब एग्जाम में नहीं हो रहा तो लाओ इधर ही घुस जाया जाए, इसलिए ऐसा नियम लगाया गया होगा बिहार राज्य के द्वारा। अब देखिए, ये भर्तियां जो होंगी वो जिलेवार होंगी, इसका नोटिफिकेशन 15 से 20 मई के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 20 मई के बाद ही लगभग देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कई मामले इसके लेकर के कोर्ट चले गए हैं विद्यार्थी, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि वो जितने भी मामलों को लेकर के कोर्ट गए वो सब एक साथ डिक्लाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि यह सारे नियमों को एक कानून के आधार पर वो लेकर के आ रहे हैं, इसलिए उन सबको डिक्लाइन करके इसको जल्द से जल्द किया जाएगा। अच्छा, अधिकतम कितना समय लग सकता है, मई के अंत अथवा जून के प्रथम सप्ताह में तो आप इसके विषय में सारी जानकारी देखेंगे, इसका एक कंबाइंड नोटिफिकेशन देखेंगे आप, साथ ही साथ आप यह भी देखेंगे कि इसका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी इसके पाठ्यक्रम पर केवल और केवल अटकलें लगाए जा रहे हैं, अभी कोई निर्धारित पाठ्यक्रम इसका दिया नहीं गया है। तो जब किसी परीक्षा का निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं तो विद्यार्थी तैयारी कैसे करेंगे। अच्छा सर, फॉर्म आने के बाद तैयारी के लिए कितने दिन मिलेंगे, तो तैयारी के लिए जो आपको समय मिलेगा वो 60 से 80 दिनों का मिलेगा, इतने ही दिन का आपको समय मिलेगा, इससे अधिक समय आपको नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप तैयारी में सही रूप से चयनित होना चाहते हैं प्रथम बार में ही, तो आपको अभी से लग जाना चाहिए, अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या क्या रहेगा इसके लिए, इसी चैनल पर आपको पुरातन बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि सिलेबस क्या रह सकता है, क्या-क्या चीजें आएंगी, हालांकि मैं भी अभी आपको काफी सारी चीजें बता दूंगा। अच्छा, अब देखिए भैया, मुद्दा क्या है कि इस परीक्षा में जो सिलेबस होगा या जो संस्था परीक्षा कराएगी उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि जिस संस्था में परीक्षा कराई जाएगी वही उसका स्तर ही बताएगा कि वहां परीक्षा कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले तो इसका जो सिलेबस होगा वो शिक्षा मंत्रालय बीपीएससी के साथ एक बैठक करेगा, क्योंकि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ही कि यह परीक्षा कराएगा, ध्यान रखिए। ऐसे अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इसकी महान उम्मीद है और सर्वाधिक उम्मीद है कि बीपीएससी ही इस परीक्षा को कराएगा। कारण, क्योंकि लेट लतीफी नहीं होती इसमें बहुत ज्यादा, परीक्षा का स्तर अच्छा होता है। बीपीएससी ने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बार बार यह सिद्ध किया है कि उनके अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं एक अच्छे विद्यार्थियों की खोज करके ले आ सकता है, उनके पास जो नीति जो योजना है, जो उनके पास लोग हैं वो दक्ष है, इसलिए इनको दिया जाना चाहिए, और इनको दिया जाएगा तभी आप मान के चलिए कि साल 2023 में ही यह चीज निश्चित हो जाएगी। अन्यथा किसी भी परीक्षा में लगातार सरकारों द्वारा किया जाने वाला इब्बट विद्यार्थियों के लिए बड़ा नरक बन चुका है, और यह बिल्कुल एकदम आसानी होता चला जा रहा है। हाँ, कहीं सब्र का बांध टूट न जाए, कहीं विद्यार्थियों को यह न लगने लग जाए कि प्यारे विद्यार्थियों, अब कहते हैं ना कि मतलब वही बात याद आती है कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, उसूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है, तो वो स्थिति न पैदा हो, इसलिए भी बिहार सरकार ये चाहेगी कि बीपीएससी इस परीक्षा को कराए, और शिक्षा मंत्रालय ने यह कहीं ना कहीं से बार बार इस बात को बोल करके या सूचित करने का प्रयास भी किया है कि इस परीक्षा को बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, परीक्षा के प्रश्न पत्र इनके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे या बनाएंगे, क्योंकि इनके पास दक्ष लोग हैं, पूरी टीम है, साथ ही साथ परीक्षा कराने के लिए इस परीक्षा को ऑनलाइन करवाएंगे कि ऑफलाइन करवाएंगे। तो देखिए, बीपीएससी ने आज तक कोई परीक्षा ऑनलाइन ली नहीं है, तो सीबीटी मोड पर परीक्षा लेने के लिए इनके पास बहुत दक्ष व्यवस्था है नहीं, और इतनी जल्दी की भी नहीं जा सकती,
ठीक है, क्योंकि अभी बहुत पिछड़ेपन का शिकार रही है चीजें, तो अभी मतलब इतनी अव्यवस्था है कि उसको पूर्ण रूप से चीजें नहीं की जा सकती, इसलिए इस परीक्षा को ऑफलाइन माध्यम से कराया जाना अनिवार्य लगता है मुझे, कि शायद यह एक अटकला है, मतलब एक मैं बता रहा हूं अनुमान के आधार पर कि आप इस परीक्षा को ऑफलाइन ही कराया जाएगा। अभी इस चीज के लिए कोई निश्चित न्यूज नहीं है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। शिक्षा मंत्रालय इस पर बैठ करके मीटिंग करेंगे और सारी चीजें निर्धारित कर दी जाएंगी। सर मिनिमम एज इसके लिए क्या है? तो मिनिमम एज पीआरटी के लिए 18 वर्ष बताया जा रहा है, 21 वर्ष बताया जा रहा है जूनियर टीजीटी और पीजीटी स्तर पर, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक जो शिक्षक बनने के लिए लोग आ रहे हैं वह जो एज लेकर के आएंगे वो मिनिमम 21 ईयर होगा। अच्छा, इसके लिए मैक्सिमम एज क्या होगी? तो मैक्सिमम एज को लेकर के भी अभी नियमावली में कोई भी बात स्पष्ट रूप से निर्देशित नहीं है, कोई भी बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं दिखाई पड़ती है। बस एक अनुमान के आधार पर आप ये मान के चलिए कि अधिकतम 40 वर्ष के लोग भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं जनरल कैटेगरी से। अन्य राज्यों के अन्य विद्यार्थियों के लिए जो अन्य कैटेगरी से आते हैं जनरल के अलावा, ओबीसी एससी एसटी या किसी प्रकार का उनके अंदर भौतिक समस्या है, जैसे कोई फिजिकल समस्या है, तो उनको 3 से 5 साल या 8 साल या 10 साल तक मैक्सिमम छूट दी जाएगी। महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए कुल रिक्तियों का 50% जो सीट है वो पहले से रिजर्व्ड है, पहले से आरक्षित है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि शिक्षक बनने के लिए ये नियम बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है, उनकी नियमावली में साफ साफ लिखित है, उसको भी मैं टेलीग्राम पर भेजवा चुका हूं पहले भी, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो अभी भेजवा दूंगा, आप फिर से देख लीजिएगा। हाँ, तो ये चीज एकदम से, ये जो भी मैं बता रहा हूं ये सब आपके नियमावली में लिखित है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। हाँ, आपको अगर फिर भी किसी प्रकार की दुविधा है, समस्या है, कोई जानकारी चाहते हैं या फिर इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर संपर्क करके हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें इस सारी चीजों से संबंधित अच्छी खासी जानकारी के साथ बैठाया जाता है। और अगर फिर भी आप किसी चीज की समस्या से ग्रसित है तो इसमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। या फिर आप बैच से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई विद्यार्थी हो सकता है सीटेट की तैयारी कर रहा हो, कोई यूपी टेट की तैयारी कर रहा होगा, कोई ऐसा होगा जो यूपीपी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा होगा, है ना, यूपी से संबंधित यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा, तो उनके लिए भी इन्हीं सारे नंबरों पर संपर्क करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आप जरूरी वह कौन सी पुस्तकें पढ़ें जिससे आप अपने आप को तैयार कर सकें, और सही मानक पुस्तकें कौन सी होती हैं जिनसे आपका चयन निर्धारित हो सकता है, जिनको पढ़ना ही चाहिए आपको। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी का सहारा लीजिए, क्योंकि यह जो परीक्षा है वह सीटेट पास विद्यार्थियों के लिए है और एक ही राज्य के विद्यार्थियों के लिए है। तो आपको एक सीधी सी बात मैं बता दूं कि जो परीक्षा है उसमें कुछ हो ना हो, लेकिन पेडागोजिकल स्टाइल को ही कॉपी करके क्वेश्चन जरूर बनाए जाएंगे, सीटेट की इसमें अच्छी खासी नकल की करते हुए बीपीएससी जरूर दिखाई पड़ेंगे। मैं ये अटकला ऐसे ही नहीं लगा रहा हूं, ये आप सत्य होते हुए पाएंगे भी। देखिए, आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। पहले तो भाषा को लेकर के एक लड़ाई है, हिंदी भाषा तो रहेगी ही रहेगी, साथ में संस्कृत और अंग्रेजी रखा जाए, क्या किया जाए। तो वर्तमान समय की मांग है कि एक अच्छा दक्ष शिक्षक चाहिए जो शिक्षक व्यवस्था को एकदम मूल रूप से आमूलचूल परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी पन जो विद्यार्थियों में ले आने की व्यवस्था करने के लिए सरकार जरूर चाहेगी कि अंग्रेजी को मूल व्यवस्था बनाया जाए। ठीक है, तो हो सकता है कि अंग्रेजी को अनिवार्य करके संस्कृत के कम प्रश्नों के साथ और हिंदी के कम प्रश्नों के साथ भाषा के प्रश्न बनाए जाए। साथ ही साथ सीडीपी के बिना कैसे कोई शिक्षक भर्ती हो सकती है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए बीएड बीटीसी डीएलएड इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, तो इसके बिना भी कोई परीक्षा नहीं हो सकती, तो यह भी एक अनिवार्य शर्त होगी। साथ ही साथ जीके जीएस को लेकर के जो लड़ाई चल रही है रहेगा, बहुत ज्यादा एकदम हवा बना दिया गया है, तो पीआरटी में कक्षा 5 तक के पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा बहुत बड़ा जीएस का ब्रह्मांड आपके अंदर होना चाहिए? भैया, राज्य की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, आपके राज्य में किस प्रकार की नवीन चीजें पुरानी चीजें हैं, उससे भविष्य में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उससे मानव जीवन पर क्या परिवर्तन हो सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो सकता है, इन चीजों की जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको करंट अफेयर अभी से पढ़ते रहना चाहिए। ये वह निर्धारित चीजें हैं जिसमें कोई परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता, परिवर्तन का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। जीके जीएस आप लोग पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी पुस्तकों से पढ़ेंगे, कक्षा 6 7
आठ नौ और दस की एनसीईआरटी की पुस्तकें अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, एक एक पुस्तक को दस दस दिन में भी पढ़ेंगे तो आप आराम से इसको 60 दिन में अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ NIOS की जो हैंडबुक आती है उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। इन हैंडबुक्स को आप बहुत फ्रीली, बहुत निशुल्क एकदम डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर, गूगल में जाइए और NIOS की बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। अगर आप फिर भी ना कर पाए तो हमारे इनमें से किसी भी नंबर जो मैंने आपको दिखाया इस पर संपर्क करके अपने व्हाट्सएप पर मंगवा लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि आपका जो पैटर्न होगा वो निश्चित है कि जैसे सीटेट अपने प्रश्न पूछता है, बिल्कुल एकदम शिक्षण व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, पेडागॉजिकल स्टाइल में क्वेश्चन होते हैं, तो वैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि UPITOU अथवा IGNOU के जो हैंडबुक्स आते हैं, जो डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग के माध्यम से, उनको आप देखिए, उससे आपको काफी बढ़िया किफायत फायदा मिलेगा। साथ ही साथ गणित की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए। इसके लिए जो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा चलने वाली पुस्तकें होती हैं, वह 6-7-8 की पुस्तकें आप जरूर देखें। जिन विद्यार्थियों का गणित कमजोर है वो इसके माध्यम से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों के माध्यम से जब अंकों से आपको प्रेम होने लगेगा तो आप अपने आप इतने सज्ज, इतने तैयार, इतने व्यवस्थित हो जाएंगे अपने मस्तिष्क से कि आप अपने आप को एकदम इस परीक्षा में झोंक देंगे और लगेंगे बिल्कुल बिल्कुल आप चयनित हो सकते हैं। जो चीजें मैं बुक के तौर पर बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि आप बिहार शिक्षक भर्ती में जा रहे हैं तभी, या आप उत्तर प्रदेश की किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, KBS के लिए, NVS के लिए, DSSSB के लिए, अन्यथा कोई भी शिक्षक भर्ती किसी भी राज्य की, मध्य प्रदेश अथवा किसी भी राज्य की हो, आप उसमें इन चीजों का सहारा लेकर के देखिए, आपको 3 गुना लाभ होगा, निश्चित होगा, क्योंकि प्रश्न भी इसी स्तर के बनाए जाते हैं। इन्हीं पुस्तकों को आपको आगे चल करके विद्यालयों में पढ़ाना भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इतनी ही जानकारी थी प्यारे विद्यार्थियों, इस जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ करके कोर्स लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। किसी भी अन्य जानकारी के लिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।